प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, बीए तृतीय वर्ष, द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा के तीसरे अंक से संबंधित है। हम तीसरे अंक को दो व्याख्यानों में विभाजित करेंगे। एक व्याख्यान आज प्रसारित किया जा रहा है और दूसरा व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा। तीसरा अंक नाटक का शुरू होता है। देश काल और वातावरण के अंतर्गत इसमें स्थान मैदान दिया गया है। तीसरे अंक का प्रारंभ फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव आता है, अर्थात फौज ने अपने सामूहिक रूप से तंबू लगा रखे हैं, उनके डेरे दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ, भारत दुर्देव आता है। यह भारत दुर्देव अत्यंत क्रूर, आधा किस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए प्रवेश करता है, अर्थात कहने का अभिप्राय भारत दुर्देव दमनकारी नीतियों का प्रतीक है, विनाशकारी नीतियों का प्रतीक है। यह अपनी फौज के द्वारा भारत को पतनोन्मुख करना चाहता है। तो सबसे पहले तीसरे अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है। वह कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, संबोधन चिन्ह है। कहता है कि भारत जो इस नाटक का मुख्य पात्र है, नायक है, वह मूर्ख है, वह कहाँ गया, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है। अभी भी उसको कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखाई दे रही है कि हमारा देश पराधीनता से किस प्रकार अपने आप को स्वाधीन करा लेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या अभी भी उसको अपने ईश्वर पर भरोसा है और राज राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है, अभी आगे देखते जाइए मैं इसकी क्या दुर्दशा करता हूँ। उसके बाद नाचता हुआ गाता हुआ दिखाई देता है, वह नृत्य करता है और गायन भी करता है साथ में। अरे, संबोधन चिन्ह है, उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं उत्तम नहीं नीच। अपनी विशेषताओं के बारे में वह उद्घाटित करने का प्रयास कर रहा है। अपने चरित्र के बारे में वह कहता है कि मैं ईश्वर के क्रोध से उत्पन्न हुआ हूं, अर्थात मैं अत्यंत क्रूर हूं, अत्यंत निर्दयी हूं, और आया भारत बीच में, भारत में उत्पन्न हुआ हूँ और भारत में आ गया हूँ मैं, छार खार सब हिंद करूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को मिट्टी में मिला दूँगा, तहस नहस कर दूँगा, इसको मैं पूरी प्रकार से पूरी तरह से नष्ट कर दूँगा। मैं उत्तम नहीं नीच, मैं उत्तम श्रेणी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अत्यंत निम्न श्रेणी का व्यक्ति हूँ, मैं अत्यंत नीच हूँ, अर्थात मेरे अंदर बुराइयाँ दुर्गुण अत्यंत गहन मात्रा में भरे पड़े हैं। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। वह अपने आप के बारे में कहता है कि तुम मुझे अत्यंत सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, मैं एक प्रकार का मानो
राक्षसी ही हूँ। सारी राक्षसी प्रवृत्तियाँ मेरे अंदर विद्यमान हैं। मैं किस प्रकार से इस देश को पतन के द्वार पर ले जा सकता हूँ, यह मैं जानता हूँ। कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूँ इनका तो मैं सच्चा राज। कोड़ी कोड़ी को, पाई पाई को, पैसे पैसे को, मैं देश को किस प्रकार से विभाजित कर सकता हूँ, बांट सकता हूँ। कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं मोहताज, किस प्रकार से मैं इनको तरसा सकता हूँ, लालायित कर सकता हूँ एक एक पैसे के लिए। कोड़ी कोड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भारतवासियों को, भूखे प्राण निकालूँ इनका, मैं इनको किस प्रकार से भूखा रखकर इनको मृत्यु के कगार पर धकेल सकता हूँ। तो मैं सच्चा राज, इसलिए मैं सच्चा राजा हूँ। मैं बुराइयों का प्रतीक हूँ, मैं दुर्गुणों का प्रतीक हूँ। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। वो अपने आप को राक्षस स्वीकार करता है और बार बार गाता है कि तुम मुझे अत्यंत सहज मत मानो, मैं एक प्रकार का राक्षस हूँ। काल भी लाऊं, महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग। और आगे वह कहता है कि मैं सबके ऊपर काल बनकर आया हूँ, मैं सबको काल कवलित कर दूंगा। काल भी लाऊं महंगाई, और महंगाई मैं इतनी बढ़ा दूंगा और चारों तरफ रोग बीमारियां इस प्रकार से फैला दूंगा कि देश का किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता। काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं, प्रकृति के विपरीत अर्थात सामान्य परिस्थितियों, सामान्य रूप से जो होता है उसके विपरीत में आचरण करूंगा, अपना व्यवहार करूंगा। पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग में, पूरे संसार में शोक बनकर, सोग बनकर छा जाऊंगा मैं। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। आगे वह कहता है, फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। मुझे तुम सहज न मानो जी, मुझे एक राक्षस जानो जी। आपसी फूट, मैं किस प्रकार से देशवासियों के अंदर फूट डाल दूंगा, वैर वैमनस्य की भावना, कलह की भावना, द्वेष राग द्वेष, ये समस्त जो बुराइयां हैं मैं उसको किस प्रकार से बुला बुला कर सारे देशवासियों के अंदर भर दूंगा। आपसी वैमनस्य कलह, जहां कहीं भी भाईचारा नहीं होगा। फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर, और मैं पूरी तरह से सबको सुस्त कर दूंगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई जोश या उत्साह की भावना नहीं रहेगी किसी भी भारतवासी में। घर घर में आलस फैलाऊं, और मैं प्रत्येक घर में, भारतवासियों के घर घर में, हृदय में मैं किस प्रकार आलस्य को फैला दूंगा। छाऊं दुख घनघोर, और पूरे भारत में मैं इस प्रकार से छा जाऊंगा, घोर घनघोर दुख बनकर मैं किस प्रकार से छा जाऊंगा। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारत दुर्देव कह रहा है कि मेरे आगमन से इस भारत भूमि पर प्रत्येक घर में आलस्य का राज्य होगा और भयानक दुख इस भारतवासियों के जीवन का पर्याय बन जाएगा। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। भारत दुर्देव भारतवासियों को दुष्ट काले इंसान और नीच कहकर पुकारेगा,
वास्तव में अंग्रेज लोग हिंदुस्तानियों को काला आदमी कहकर ही बुलाते थे। भारत दुर्देव अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के कारण भारतवासियों के हाथ पैर तोड़ देगा, अर्थात उन्हें अकर्मण्य बना देगा। दू इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। भारत दुर्देव यह भी कहता है कि वैसे तो मेरे आगमन से ही या मेरे प्रभाव से ही यहाँ के निवासी निष्क्रिय हो जाएंगे, किंतु मैं निष्क्रियता के साथ साथ उन्हें खुशामदी और कायर भी बना दूंगा। खुशामद करना, किसी की प्रशंसा करना, वाहवाही करना, और उसके साथ ही मैं कायर भी बना दूंगा। मरी बुलाऊं देश उजाड़ू, महंगा करके अन्न सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। मेरे आने से अनेक प्रकार की बीमारियां और महामारियां चारों ओर फैल जाएंगी, परिणाम स्वरूप देश उजड़ जाएगा, अन्न महंगा हो जाएगा और महंगाई के ऊपर टैक्स लगने से भारतवासियों की पीड़ा और अधिक बढ़ जाएगी। अंत में वह कहता है कि मेरे आगमन को सहज व्यक्ति का आगमन मत समझो, मैं तो एक राक्षस ही हूँ। भाव यह है कि मेरे आने से भारत भूमि पर राक्षसी वृत्तियाँ विकसित होंगी और सभी लोग दीनहीन अवस्था को प्राप्त करके विवश भाव से निष्क्रियता और कायरता में सांस लेते हुए जीवन यापन करने लगेंगे। इसके बाद वह नाचता है, नाचने लग जाता है, नृत्य करने लग जाता है। अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है। वह कहता है, भारत दुर्देव यहाँ पर कहता है कि अब भारत कहाँ जाएगा, मेरे चंगुल से बचकर वह छूटकर कहाँ जाएगा। ले लिया है मैंने उसको, अपने वश में कर लिया है, मैंने उसको अपने अधीन कर लिया है, एक तस्सा बाकी है। अब की हाथ में वो भी साफ, थोड़ा सा और उसको विवश करना बाकी है, मजबूर करना बाकी है। अब की हाथ में, अब की बार वो भी बिल्कुल मेरे अधीन हो जाएगा, एकदम निष्क्रिय हो जाएगा, वह अकर्मण्य हो जाएगा। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरें। लिया भी तो अंग्रेजों से ओगुन, हा, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। अर्थात कहने का अभिप्राय, भारत दुर्देव कहता है कि मैंने सबको छिन्न भिन्न कर दिया है, मैंने सबको अलग 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 थलग कर दिया है, मैंने सबके अंदर वैमनस्य की भावना पैदा कर दी है। भारतवासी अब एक नहीं हो पाएंगे, सामूहिक रूप से इस देश को बचाने का यत्न नहीं कर पाएंगे। क्या भला एक चने से भाड़ फोड़ेंगे? ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा, आदेश दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी, अर्थात जो बेवफाई होती है, गद्दारी होती है, अनुशासनहीनता होती है, उसमें पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र होगा, जो मेरी खुशामद करेगा, मेरी वाहवाही करेगा, मेरा जो समर्थन करेगा, उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हैं, हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं। वह आश्चर्य करता है कि जो हमारा जो एक्ट है, हमारी पॉलिसी है, हमारे जो नियम है, हमारे जो कानून है, उसके विरुद्ध यह एकजुट होने का प्रयास करते हैं, साहस करते हैं उसका खंडन करने के लिए। मूर्ख, यह क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अपनी फौज ही भेज के न सबको चौपट करता हूँ, सबको मैं मिट्टी में मिला सकता हूँ अपनी फौज को भेज कर। नेपथ्य की ओर देखकर, पीछे की ओर देखकर वह कहता है,
अरे कोई है? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो किसी को पुकार करता है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। वो कहता है कि सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है, अर्थात पीछे से कोई आवाज़ लगाता है कि जैसा आपका हुक्म, जैसी आपकी आज्ञा, अभी भेजते हैं सत्यानाश फौजदार को। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। उसी समय सत्यानाश फौजदार आते हैं, प्रवेश करते हैं रंगमंच पर। वो आते हैं, पर्दे पर आते हैं, वो भी नाचते हुए प्रवेश करते हैं सत्यानाश फौजदार। सत्यानाश फौजदार भी काव्य की पंक्तियों में गाते हुए, नृत्य करते हुए अपना बखान करते हैं कि किस प्रकार से हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश। भारत दुर्देव के बुलाने पर सत्यानाश फौजदार आ जाता है। वह नाचता और गाता हुआ न केवल अपना परिचय देता है, अपितु अपने कुकर्मों से भारत को खराब करने की बात भी कहता है। सत्यानाश फौजदार अपना नाम सत्यानाश बतलाकर यह संकेत कर रहा है कि मैं भारत दुर्देव राजा के बुलाने पर यहाँ आया हूँ। मेरी सेना वेश बदलकर सब कुछ करने की क्षमता रखती है और इस देश को चौपट कर रही है, किया चौपट यह सारा देश। बहुत बहु हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआ छूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। यहाँ आकर हमने अनेक धर्मों को विकसित किया है और छुआछूत के रोग को भी बहुत बढ़ाया है। हम ही यहाँ जयचंद बनकर देशद्रोही बने और हिंदुस्तान के द्वार विदेशियों के लिए खोल दिए थे। वो अपने लिए कहता है, हलाकू चंगेजों तैमूर, हमारे अदना अदना सूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपाह। हलाकू चंगेज तैमूर तो हमारे छोटे छोटे शूरवीर हैं, नादिर शाह जैसा क्रूर और निर्दयी भी हमारा ही एक रूप था। मेरी फौज में छोटे छोटे सिपाही भी हैं और एक से एक बड़े क्रूर और सब कुछ को नष्ट करने वाले भी हैं। है हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। वह आगे कहता है, सत्यानाश फौजदार अंत में कहता है कि हमारी सेना के लोगों के पास तीनों प्रकार का बल है, कल भी है और छल भी है। भाव यह है कि हम छल कपट से अपनी शक्ति के बल पर कुछ भी करने में समर्थ हैं। हमारे समक्ष किसी की भी कोई बात चल नहीं सकती है। हम यहाँ आकर भारत में सभी लोगों को खूब शराब पिलाएंगे और निश्चित रूप से सभी की मानसिकता को अशुद्ध और खराब करते हुए भारत को चौपट कर देंगे। हमारे कल बल और छल के समक्ष किसी की कुछ भी नहीं चल पाएगी। इस प्रकार सत्यानाश फौजदार अपना परिचय देता हुआ अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार से मेरी जो फौज है इस भारत को नष्ट करने में अपनी भूमिका अदा करेगी। उसके बाद भारत दुर्देव कहता है, उसकी बातों से वह अत्यंत प्रसन्न होता है, खुश होता है, आहा सत्यानाश जी आए। सत्यानाश अर्थात विनाश करने वाला, सत्य का विनाश करने वाला, आहा सत्यानाश जी आए। आओ देखो, अभी फौज को हुक्म दो कि हम
लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। वह सत्यानाश को कहता है, भारत दुर्देव जो इनका मुखिया होता है, जो खलनायक होता है, वह सत्यानाश को कहता है कि आओ देखो, अभी फौज को हुक्म दो, आदेश दो कि हम सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें, भारत को घेर लें। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चलें, आगे आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाएं। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्देव की आज्ञा का पालन करते हुए उनसे कहता है कि महाराज, इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा, आप मेरे लिए इंद्रजीत के समान हैं, आपने जो कुछ कहा सो सब जन पहले ही कर रखा, मैंने तो यह सब कुछ पहले से ही निश्चित कर रखा था, हिंदुस्तान को घेरने के लिए अपनी फौज को तैयार कर रखा था, जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं और जिनको जो हुक्म हो कर दिया जाए, यह मैंने सबको आदेश दे दिया है। भारत दुर्देव कहता है कि किसने किसने क्या क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद सत्यानाश फौजदार उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि महाराज, संबोधन चिन्ह है, धर्म ने सबसे पहले सेवा की। धर्म ने किस प्रकार से भारत को नष्ट किया? धर्म ने सबसे पहले सेवा की, रची बहु विधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगटी चलाए। हमने अनेक मत मतांतर चला दिए, धर्म को किस प्रकार से हमने विखंडित कर दिया, धार्मिक रूप से भारतवासी किस प्रकार से एक नहीं हो सके, पुराणों में भी हमने किस प्रकार से घालमेल कर दिया, रची रचकर बहुविधि अनेक प्रकार से वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव कोई शैव के उपासक, कोई शक्ति के उपासक, कोई विष्णु के उपासक, अनेक मत प्रगटी चलाए। हमने ये धर्म ने भी काम किया है भारत को पतन की ओर ले जाने के लिए। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, जाति प्रथा भी यहाँ कोई उच्च श्रेणी का अपने आप को कहता है तो कोई निम्न श्रेणी का, हमने अनेक तरह से यहाँ की जातियाँ बना दी हैं। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बरजी छुड़ायो। बरजी कहते हैं मना करने को। ऊंच और नीच जाति बनने से लोगों का आपस में खान पान का संबंध भी छूट गया। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन देत, अब बिना जन्म पत्री के हिंदू लोग किस प्रकार से शादी विवाह नहीं कर सकते, नहीं होन देत अब, बालपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब, और किस प्रकार से अशिक्षा से भारतवासी बालपन में बाल्यावस्था में ही अपने बच्चों का विवाह करने के लिए तत्पर हो गए, और किस प्रकार से उनकी इस कार्य से सब कुछ नष्ट हो गया। करी कुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मारो, विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रचारो। किस प्रकार से हमने व्यभिचार का प्रचार किया, धर्म ने किस प्रकार से कार्य किया अपना कि विधवा विवाह का हमने निषेध कर दिया, विधवा विवाह को हमने निषेध कर दिया। निषेध कियो व्यभिचार प्रचारो, रो की विलायत गमन, कोई देश से पलायन नहीं कर सकता, दूसरे देश में नहीं आवागमन कर सकता, उसको भी हमने रोक लगा दी। रो की विलायत गमन कूप मंडूक बनायो, प्रत्येक भारतवासी को मानो हमने कुएं का मेंढक बना दिया, एक ही जगह पर स्थिर रहने वाला। औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो, और एक दूसरे से उनका अधिक संपर्क नहीं रहे,
उनमें एकता और भाईचारे की भावना नहीं रहे, इसलिए हमने इसके बारे में भी प्रचार कर कर के एक दूसरे के संपर्क को भी घटा दिया है। बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजारी, भारतवासी अब क्या करने लगे हैं कि उनके छोटे छोटे देवी देवता भूत प्रेतादि उनकी वो पूजा करने लग गए हैं। ईश्वर सो सब विमुख, इसलिए ईश्वर से परम पिता जो परमेश्वर ईश्वर होते हैं उससे सब विमुख किए, हमने सब हिंदुओं को विमुख कर दिया है, इसलिए अब वह घबरा गए हैं, अब हमारे अधीन हो गए हैं, अब हमारे विवश में हमारे नियंत्रण में है वह। भारत दुर्देव उसके बाद कहता है कि आहा हाहा शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह उनको शाबाशी देता है सत्यानाश फौजदार को कि बहुत अच्छा कार्य तुमने किया है, धर्म ने और भी कुछ किया है। सत्यानाश फौजदार कहता है कि हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाए, किन 3-13 सबे चौका चौका जाए। हमने छुआछूत का किस प्रकार से प्रचार प्रसार करके सबके भोजन की एक दूसरों के साथ खाने की प्रवृत्ति को किस प्रकार से हमने छुड़ा दिया है, हमने तो 3 को 13 कर दिया है कि ये सब कुछ तहस नहस करना। 3-13 किए 3-13 सबे चौका चौका जाए, घर घर जाकर हमने किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया है। भारत दुर्देव और भी कुछ, सत्यानाश फौजदार कहता है हाँ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से भारत दुर्दशा नाटक का जो तीसरा अंक होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है, इसके बाद इस अंक का जो शेष भाग है वो अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।